शांति। आज की तारीख है 2/4/23 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 18/2/94 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्वमान की स्मृति का स्विच। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हरेक तख्तधारी भी हैं, ताजधारी भी हैं और तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बिंदी के सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्यसभा और सतयुगी राज्यसभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित होकर तख्त पर बैठते हो तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला है फरिश्ता। सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। अच्छा, अब सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का महिमा युक्तम बच्चों के प्रति याद प्यार। तो देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाबा के द्वारा वरदान। तो वरदान है अपने आदि और अंत, आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही है। आधा कल्प राज्य भाग्य किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो इस ही नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।